भोपाल कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी सुदाम खाड़े और डीआईजी इरशाद वली ने संयुक्त प्रेस वार्ता कर 12 मई को भोपाल में होने वाले लोकसभा चुनाव से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि भोपाल में 300 से ज्यादा क्रिटिकल मतदान केंद्र चिन्हित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इस बार चुनाव में 21 लाख मतदाता वोट डालेंगे। इस दौरान 2253 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। वहीं उन्होंने बताया कि अभी प्रशासन मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का अभियान चला रहा है, जिसमें मतदाता अपने नाम जुड़वा सकते हैं। ये लोगों के पास कई बार ईपी कार्ड होते हैं, मतदाता सूची में लोग शिफ्ट होते हैं, उनके लाभ कट जाते हैं या उनके लाभ कटौती लाभ कटाए जाते हैं। इस बार हमने अभियान चला था कि सिर्फ वोटर कार्ड होना ही उसका कोई अधिकार तो नहीं देता, हमारा मतदाता सूची में नाम होना बहुत आवश्यक है। इसलिए गो वेरीफाई वीवीआईपी कार्यक्रम ने चलाया, अभी भी चल रहा है और अभी हमारे बीएलओज भी बैठ रहे हैं, उसमें दो काम हम कर रहे हैं। अगर मतदाता सूची में आपका नाम नहीं है तभी भी आप 6 मरीज से जुड़ सकते हैं। नंबर टू, अगर पुराने कोई आपके ईपी कार्ड नहीं है आपके पास, टूट गए हैं बदलने हैं, तो 30 वर्ष तक आप अप्लाई कर देंगे तब फ्री में इस बार ईपी कार्ड आपको दिए जाएंगे। इस बार हमारे यहाँ भोपाल 19 लोकसभा निर्वाचन होने वाले हैं, उसमें लगभग 21 लाख वोटर्स वोट डालेंगे। इसी विधानसभा से हमने इस बार जो जेंडर रेशियो है वो बढ़ा दिया है, पिछली बार 900 था, अभी 908 हो गया है, जिसमें महिला की संख्या बढ़ा हुआ है। बात हमारा अभी लगभग 66.40 ईपी रेशियो हो गया है, मतलब 100 के ऊपर लगभग 66 हमारे मतदाता। पुलिस स्टेशन की संख्या इस बार 2253 बढ़ गई, जैसे कि डी आई साहब ने कहा कि लगभग 450 क्रिटिकल पुलिस स्टेशन है, उनकी सबकी लोकेशन 873 है। आप देखते हैं कि शहरों में इस बार हमने पुलिस स्टेशन की लोकेशन बढ़ा दी गई है। पुराने चुनाव में हमने देखा होगा कि एक ही जगह पे 15-20 अधिक मतदान केंद्र कितने जगह थे, उसको सब तोड़ के मतदाताओं की सुविधा के लिए कम से कम वहाँ भीड़ हो और लोगों को आसानी से मतदान किया जा सके, इसलिए लगभग 350-400 मतदान केंद्र हमने चेंज किए। इस बार उसकी सूची पार्टी हमने आज की बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि हमारे जितने भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उन लोगों सबको बुलाकर के आज बात कर लें और उसके साथ साथ आपसे भी रूबरू हूँ और आपको आपसे भी जो है, भोपाल से EMS TV के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवेंद्र माली की रिपोर्ट। आइसक्रीम खाएगी? आइसक्रीम? ये है डबल आनंद। पहला आनंद पॉलिसी टर्म के अंत पर मैच्योरिटी क्लेम का पूरा भुगतान और दूसरा आपके अपनों के लिए लाइफ कवर की पूरी रकम बिना किसी प्रीमियम के। LIC न्यू जीवन आनंद, आनंद ही आनंद।